आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ दरभंगा के भरोसेमंद पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में मंगलवार से मदर एंड चाइल्ड केयर की शुरुआत हो गई। इस इकाई के औपचारिक उद्घाटन के बाद हॉस्पिटल परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी गई। इकाई का उद्घाटन पारस हेल्थ के गुरु सीओओ डॉक्टर सैंटी साजन ने किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि दरभंगा और इसके आसपास के इलाकों में प्रसव से संबंधित इलाज के लिए सैकड़ों छोटे मोटे हॉस्पिटल है, जहाँ क्वालिटी केयर का जबरदस्त अभाव है, मगर ऐसे में अस्पताल न के बराबर है जहां प्रसव के दौरान या उसके बाद आने वाली आपातकालीन स्थितियों को संभालने के लिए तकनीक और सुविधाएं हो। यही कारण है कि यहां मातृ एवं शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है। पारस ग्लोबल दरभंगा में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी सुविधाओं के साथ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर शुरुआत की गई। यहां मरीजों के लिए पर्याप्त आईसीयू एनआईसीयू विशेष चिकित्सा दल मौजूद है। इससे शहर के लोगों को अब जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और सुरक्षित इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पारस ग्लोबल के यूनिट हेड डॉक्टर अरुणेश रमन ने कहा, मिथिला और कोशी क्षेत्र के प्रसव से संबंधित इलाज को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पारस ग्लोबल प्रतिबद्ध है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही पारस ग्लोबल का उद्देश्य है और अपने उद्देश्य में यह अस्पताल 100% खरा साबित हो रहा है। सम्मेलन में पारस हेल्थ के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान ने भी अपनी बात रखी। साथ ही पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा IPS भी मौजूद थे। 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सक सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधाएं, तृतीयक और चतुर्धातुक देखभाल ले उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर बिहार में अपनी विशेषताएं, बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। हेल्थ के तरफ से करने जा रहे हैं, यदि कि हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर ऑफ दरभंगा में स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका इनोग्रेशन ग्रुप सीईओ डॉक्टर सैंटी के द्वारा हुआ और हमारे जोनल डायरेक्टर डॉक्टर विक्रम भी इसमें उपस्थित थे। इससे आपको होएगा कि इस रीजन में जो मैटरनल इमोर्टेलिटी, इन्फेंट इमोर्टेलिटी का रेट जो बहुत हाई है, उसको हम कम करने में बहुत हद तक सफल होंगे। हमारी तरफ से, पारस की तरफ से मुबारक हो कि दरभंगा में एक ऐसा यूनिट हमने खोला है जहाँ पर माँ और बच्चे के इलाज के संबंधित सारे सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर हमने खोला है जहाँ पर 24 आवर्स सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स की सर्विस आपको मिलेंगे। उसमें होगा OBGYN की डॉक्टर्स और फिर नियोनेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जरी, यानी कि सब 360 डिग्री क्वालिटी केयर हम आपको मिल सके यूनिट के द्वारा। और कोशिश करता है कि दरभंगा और आसपास की शहर की सारे लोगों को हम ये सुविधा दिलवाएं। आने के लिए थैंक यू सो मच। जो हमारा भारत का मिशन है कि 2030 में इसको रिड्यूस करके हमें 70 करना है, उसमें पारस हेल्थ का ये इनिशिएटिव है। इससे हम एक अच्छी सर्विस देंगे। लेमैन भाषा में बताऊं मैं तो, जैसे डिलीवरी जब भी किसी भी होती है तो उसका क्या डाइट लेनी है, क्या वैक्सीनेशन चाहिए, डिलीवरी से पहले अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, वो सारी सुविधाएँ, पहले एक्सरसाइज, उसके बाद में डिलीवरी होने पर नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो सारा कुछ बैकअप हमारे पास है। बच्चों के लिए न्यूनेटल ICU, पीडियाट्रिक ICU, तो ये कंप्लीट चीज़ है। जब एक बार मदर या बच्चा को यहाँ आता है तो फिर उसको हमें रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा पूरा विश्वास है कि पारस हेल्थ हमेशा, हम बेस्ट ऑफ द क्वालिटी में विश्वास करते हैं और ये दरभंगा को एक हमारी तरफ से गिफ्ट है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके का एंथुसियाज्म, सपोर्ट आपने दिखाया है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द मीडिया मेंबर्स। थैंक यू। ऑनर टू बी हियर एज पार्ट ऑफ दिस MC प्रोग्राम।
and this is the best opportunity for people of Darbhanga to avail the services under the same roof, that each from the pregnancy onwards, the care will be given to pregnant ladies and the baby who is going to be born or is born. And every facility, everything will be available under the same roof. We need not rush to the nearby cities for modern facilities. Everything will be provided here only. And that too, near to their homes. So it is best opportunity for us also to serve society. And it is best opportunity of people of Darbhanga to take use of it. And I am greatly looking forward to see all the changes coming in Darbhanga. I'm very happy to be part of this hospital, Paras Global Hospital Darbhanga. I'm very grateful to the organizers and the authorities and everyone who has given me this opportunity. Thank you so much. सबसे पहले मैं पर्सनल अपनी तरफ से डॉक्टर धर्मेंद्र नागर जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने एक ड्रीम सोचा था बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, स्पेशली इन क्वालिटी केयर इन मेडिसिन, इन मेडिकल, वो आज पूरा दिखता हुआ नजर आ रहा है। पहला पारस पटना की शुरुआत हुई, फिर पटना दरभंगा की शुरुआत हुई। एक सपना था, मेरा भी सपना था कि हम यहाँ के दरभंगा वासियों को एक अच्छी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करें। मुझे बड़ी खुशी है कि पूरी टीम, पारस की पूरी टीम, स्पेशली डॉक्टर शांती मैम, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, दरभंगा की धरती पर स्वागत करता हूं, जो एक इतनी एनर्जेटिक हमारी टीम लीडर है, डॉक्टर विक्रम जो जोनल हेड हैं पूरे बिहार के, स्पेशली इस एरिया के, मैं उनका स्वागत करता हूं, डॉक्टर अरुणेश जिन्होंने बड़ी कठिन परिश्रम किया और इस पारस दरभंगा, पारस ग्लोबल दरभंगा को एक नया मुकाम दिया, और साथ साथ अपने सारे कंसल्टेंट्स एंड टीम मैनेजमेंट को ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की है इस पारस को ऊपर लाने में। आज एक दो यूनिट हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, एक नया यूनिट है मदर एंड चाइल्ड, और साथ साथ कैंसर भी, हमारे कैंसर के स्पेशलिस्ट सामने बैठे हैं, और हमारे गायनिक एंड ओबीजी की पूरी टीम एक मजबूत टीम है जो एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड केयर जो लोगों को मिल सके, यहाँ के दरभंगा वासियों को मिल सके, उसकी तैयारी हमने कर रखी है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हम लोगों ने कोशिश तो की है, कोशिश ये भी की है कि जो स्पेशली जो बीपीएल धारक हैं, मुझे मानना है कि क्वालिटी के साथ साथ प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है। मैंने एक कोशिश की है और हम सब ने एक कोशिश की है कि इसमें हम आगे फ्यूचर में इसको हम आयुष्मान से भी जोड़ने का काम करें। अगर आयुष्मान से हम जोड़ेंगे, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो मदर एंड चाइल्ड हो, तो जो गरीब पेशेंट्स हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो भी पारस तक आ सके, उनको भी वो अच्छी से अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड कर सके। पारस में और भी जितने भी सेंटर्स चल रहे हैं, स्पेशली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, उसको हमने ऑलरेडी पारस ने आयुष्मान से जोड़ रखा है। इसको भी हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि इसको भी हम जोड़ने का काम करें, ताकि क्वालिटी के साथ बेस्ट केयर पारस प्रोवाइड कर सके। अब पारस उसी वजह से जाना जाता है। तो मैं ढेर सारी बधाई के साथ और दुआओं के साथ कि जो एक सपना मैंने और मेरे फादर ने और इस डॉक्टर धर्मेंद्र नागर ने देखा था, वो आज इन टीम ने उसको पूरा करने का काम किया। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बधाई के साथ पूरी टीम को मैं देना चाहता हूं, और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज पारस आज उस विकास की तरफ बढ़ चुका है, तरक्की की तरफ बढ़ चुका है, जो एक सपना डॉक्टर नागर ने देखा था। बहुत बहुत